खबर है कि मौलाना फजल रहमान असद कैसर की रिहाइश गाह पहुंच गए। असद कैसर और रऊफ हसन ने मौलाना का इस्तकबाल किया। मौलाना फजल रहमान के एजाज में असद कैसर की जानिब से जोहराने का अहतमाम किया गया है। साबिक सदर आरिफ अलवी भी असद कैसर की रिहाइश गाह पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात लेते हैं नुमाइंदे खसूसी उमर जट से। उमर, अपडेट कीजिए। जी, ये मौलाना फजलुर रहमान के एजाज में आज एक जोहराने का अहतमाम किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक स्पीकर असद कैसर ने उनकी रिहाइश गाह पर अब से थोड़ी देर पहले जो मौलाना फजलुर रहमान हैं वो असद कैसर की रिहाइश गाह पर पहुंचे हैं, जहां पर असद कैसर और रऊफ हसन ने उनका इस्तकबाल किया। इससे पहले साबिक सदर आरिफ अलवी भी असद कैसर की रिहाइश पहुंचे हैं, और गुज़श्ता रोज भी मुलाकात हुई थी आरिफ अलवी और मौलाना फजलुर रहमान की, और आज जोहराने पर पहुंचे हैं मौलाना फजलुर रहमान, जो पीटीआई के रहनुमा असद कैसर की जानिब से दिया जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं, पोर्च में इस्तकबाल किया है असद कैसर ने, और पीटीआई के रहनुमा जो रऊफ हसन है वो वहां मौजूद थे। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान जी का इस्तकबाल किया और अब वो अपनी रिहायशगाह के अंदर जा चुके हैं, और ये जोहराना जो है वो रखा गया था देखिए, और जुहराने का कहा अहतमाम जी। किया गया था और मौलाना असद कैसर की रिहाइश गाह पहुंच गए हैं। उमर जट, आपका बहुत शुक्रिया।